के हिस्ट्री शूटर बदमाश को राजनीतिक और पुलिस संरक्षण मिलने पर और खुद को जान का खतरा होने पर फरियादी ने प्रेस वार्ता में किए कई अहम खुलासे। उज्जैन के तराना तहसील में एक हिस्ट्री शीटर बदमाश के आगे पूरा प्रशासन कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गिरफ्तारी वारंट के बाद भी आरोपी विधायक और पुलिस के साथ दिखाई दे रहा है। उज्जैन के तराना तहसील के एक फरियादी ने वर्तमान विधायक और पुलिस पर आरोपी के संरक्षण का आरोप लगाते हुए जान के खतरे का अंदेशा जताया है। ऑपरेशन पवित्र में कई हिस्ट्री शीटरों पर कड़ी कार्यवाही के बाद भी ऐसे आरोपियों का बचे रहना कई शंकाओं को जन्म देता है। मोहम्मद शेख दुरानी द्वारा लगाए गए आरोप को खारिज करते हुए विधायक महेश परमार द्वारा बताया गया, यदि कोई भी अपराधी बदमाश हिस्ट्री शूटर है, वो माफिया है, तो पुलिस कार्यवाही करने में स्वतंत्र है। ऐसे लोगों के लिए मेरा कोई संरक्षण नहीं है। उज्जैन के तराना निवासी मोहम्मद शफी दुरानी ने एक प्रेस वार्ता कर बताया कि तराना तहसील थाना क्षेत्र में रहने वाले शेख रफीक ने उनसे कई सालों पहले अपने व्यापार के लिए लाखों रुपए उधार लिए थे, लेकिन कई बार मांगने पर भी नहीं लौटाए, जिसके विरुद्ध सालों चले न्यायिक मामले में सत्र न्यायालय से लेकर जिला न्यायालय तक फैसला उनके पक्ष में आया। कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया है। पिछले साल नवम्बर में आए फैसले के बाद भी आरोपी शेख रफीक आज तक थाना क्षेत्र में खुला घूम रहा है। पुलिस उसे फरार बता रही है। हद तो यह है कि गणतंत्र दिवस पर आरोपी वर्तमान विधायक के साथ मंच पर सम्मान समारोह में भी नजर आया। इधर मोहम्मद शेख दुरानी द्वारा लगाए गए आरोप को खारिज करते हुए विधायक महेश परमार द्वारा बताया गया कि यदि कोई भी अपराधी बदमाश हिस्ट्री शीटर है, वो माफिया है, तो पुलिस कार्यवाही करने पर स्वतंत्र है। ऐसे लोगों के लिए मेरा कोई संरक्षण नहीं है। यदि किसी सामूहिक कार्यक्रम में आकर फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया जाता है, तो ऐसे में जनप्रतिनिधियों की कोई गलती नहीं होती। लगाए गए आरोप बेबुनियाद है। आरोप प्रत्यारोप जनप्रतिनिधियों पर चलते ही रहते हैं।